Hello everyone, welcome you all on Conceptual Economics. In the second video of class 11th, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टैट्स क्या है, उसके इम्पोर्टेंस, उसके लिमिटेशंस, स्टेजेस. तो अब उसमें देखेंगे जो स्टेजेज हैं. स्टेजेज में फर्स्ट स्टेज है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा का. जब भी हमें कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी आई, आप कह सकते हैं कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट करनी है, तो फॉर दैट स्टडी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा. तो कलेक्शन ऑफ डेटा जब भी हम बात करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं सोर्सेस. डेटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सोर्सेस ऑफ डेटा. तो उन सोर्सेस की हम जब बात करते हैं तो हमारे पास हम डिस्कस करते हैं इन टू सोर्सेस के बारे में. वी कम अक्रॉस दीज टू सोर्सेस ऑफ डेटा जब भी हमें कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी करनी होती है. तो प्राइमरी सोर्स क्या है डेटा का? प्राइमरी सोर्स जब भी कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट की जाती है, इफ डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन. ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो सच सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा. ठीक है, तो ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ डेटा या सोर्स ऑफ ओरिजिन से यहाँ पे मीनिंग क्या है कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टडी कंडक्ट की जा रही है, अगर हम देखें आपकी क्लास की स्टडी की जा रही है या आपके स्कूल की स्टडी की जा रही है, तो आपके स्कूल सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है डेटा का? योर स्कूल. तो स्कूल में जाके जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स. तो योर स्कूल इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा. ठीक है, तो इसमें जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं सच डेटा आर ओरिजिनल डेटा. ठीक है, ये हमको ओरिजिनल डेटा या फर्स्ट हैंड डेटा प्रोवाइड करते हैं. कौन? प्राइमरी सोर्स. तो जब प्राइमरी सोर्स है तो व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्सेस? तो सेकेंडरी सोर्स में क्या है? व्हेन डेटा आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड. अब पहले से ही डेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डेटा पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो सच सोर्सेस आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेस. एग्जाम्पल के लिए मैगजीन. ठीक है, हमें डेटा चाहिए तो हम डेटा के लिए विजिट करते हैं या परचेज करते हैं एक मैगजीन. उसमें जो डेटा हमें दिया है उससे हम अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी को कंडक्ट करते हैं, या हम किसी वेबसाइट से या गवर्नमेंट की किसी भी पब्लिकेशन से या हम न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट करते हैं. अगर आपको जैसे एग्जांपल के लिए कोविड-19 से रिलेटेड स्टडी करनी है कि डिफरेंट स्टेट्स में इसका प्रोग्रेस ग्राफ क्या है, ग्राफ बढ़ रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, तो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द डाटा? हम तो हर जगह विजिट नहीं कर सकते, प्राइमरी सोर्स हमारे पास है नहीं, हमारे लिए एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम वेबसाइट से, जो गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से हम डेटा कर लेंगे और उसके डेली प्रोग्रेस को हम देखेंगे, तो हम अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं. तो हमने कलेक्ट नहीं किया, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है. तो जब डेटा कलेक्ट रहते हैं तो उस सोर्स को कहा जाता है आपका सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, ये हमको फर्स्ट हैंड डेटा प्रोवाइड करते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं सेकेंड हैंड डेटा या सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन भी हम उसको कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टू टाइप्स ऑफ डेटा की जो कि हमें इन टू सोर्सेज से रिसीव होते हैं. टू सोर्सेज हम कलेक्ट करते हैं, वो सोर्सेज थे आपके प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की, तो प्राइमरी सोर्स से हमें जो डेटा कलेक्ट होता है, डेटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा. कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं लेकिन फर्स्ट आपको ये मानना पड़ेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो भी डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, प्राइमरी सोर्स से, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा, डेटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेस. ठीक है, मैगजीन से कलेक्ट किया जा रहा है, न्यूज़पेपर से या किसी वेबसाइट से, तो वो हमें कौन से डेटा प्रोवाइड करते हैं? सेकेंडरी डेटा. जब खुद कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर अपनी स्टडी के पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या बन जाता है? डेटा विच आर ओरिजिनली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर हिज ओन स्टडी.
ठीक है, अपनी स्टडी के लिए, अपने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। जब इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो स्टैटिस्टिकल स्टडी को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो खुद जाके जब डेटा कलेक्ट करता है सोर्स ऑफ ओरिजिन से, तो उन डेटास को हम कहते हैं, वो डेटा क्या कहलाते हैं? आपके प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्लियर होगी। सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा व्हेन डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेस, या आप कह सकते हैं डेटा विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन और अदर एजेंसी फॉर देयर ओन पर्पस, ठीक है। डेटा कलेक्टेड हैं, किसी और एजेंसी ने कलेक्ट किए हैं या किसी और पर्सन ने कलेक्ट किए हैं अपने स्टडी के पर्पस से, ठीक है। तो उन डेटा को कहा जाता है सेकेंडरी डेटा, और हम इनको वहाँ से बोरो करते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो सच डेटा आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कई बार आपका डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी डेटा का अगर हम देखें कलेक्शन में कितना टाइम कंज्यूम होता है, अगर दोनों डेटा को हम कंपेयर करें तो प्राइमरी डेटा आर मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इसको कंडक्ट करने में, इनको कलेक्ट करने में हमें टाइम की ज़रूरत भी होती है, हो सकता है हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़े, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम सेकेंडरी डेटा को देखें तो सेकेंडरी डेटा हमारे लेस एक्सपेंसिव भी हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड हैं, बस जस्ट हमें इनको बोरो करना है और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। थर्ड हम इसमें देखते हैं सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी, अब कौन सा डाटा ज़्यादा सूटेबल है अगर आप कंपेयर करें, ये हमने फर्स्ट टाइम अपने स्टडी के लिए हम इनको ले रहे हैं, तो प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा आर मोर सूटेबल फॉर आर स्टडी, क्योंकि हम इन डेटा को अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। अब सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी और ने अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट किए थे, अब हम इनको बोरो कर रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये क्या है? लेस सूटेबल है हमारे स्टडी के लिए, और प्राइमरी डेटा क्या है? मोर सूटेबल है। अब हम बात कर लेते हैं जो प्राइमरी डेटा, जो कि ओरिजिनल डेटा हैं, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, वो कलेक्ट कैसे किए जाते हैं? कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी है तो उसके लिए मेथड कौन से हैं कि हम अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म आपको समझने पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर मीन जो स्टडी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटर हो गया। और रेस्पोंडेंट, या उसको हम इन्फॉर्मेंट भी हम कह सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है या जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, वो आपका रेस्पोंडेंट हो गया, इन्फॉर्मेंट हो गया। तो पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या होता है, जिस भी पर्सन के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, उस पर्सन से हम डायरेक्टली उसका इंटरव्यू करके हम, या उससे क्वेश्चन पूछ के, या जो भी हमारा तरीका है अपने डेटा कलेक्ट करने का, वो हम डायरेक्टली किससे कलेक्ट कर रहे हैं? डायरेक्टली हम कलेक्ट कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेंट है या फिर जो रेस्पोंडेंट्स है उससे। तो इसलिए इसको नेम दिया गया है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल के लिए आपको 10 फैमिलीज की इनकम की स्टडी करनी है, क्लास 11th में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और आपके जो नियर बाय 10 फैमिलीज हैं उनके इनकम की स्टडी करनी है, तो आप क्या करेंगे? जो फैमिली हेड हैं, हेड ऑफ द फैमिली, तो आप विजिट करेंगे और उनसे उनके इनकम के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि आप, ठीक है, उनकी डिटेल लेंगे, नेम वगैरह जो भी, नेम, एज, और कहाँ काम करते हैं और इनकम क्या है। तो ये क्या होगा, आप डायरेक्टली उस फैमिली मेंबर से, या डायरेक्टली उस जो हेड ऑफ द फैमिली है उससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सच मेथड इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, आप सीधे जाके पूछ रहे हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कई बार ये पॉसिबल होता है कि अगर हम डायरेक्टली किसी से कोई क्वेश्चन पूछें या कोई इन्फॉर्मेशन लें, तो वो हो सकता है हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, वो हमें डिनाई कर दे या हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे। तो इन सच कंडीशन, जब हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम डायरेक्टली उस
पर्सन से नहीं पूछते हैं, जबकि उसका हो सकता है रिलेटिव हो या उसका नोन पर्सन हो, या इन्वेस्टिगेटर को ऐसा लग रहा है कि सच पर्सन हैविंग द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेटर को लग रहा है कि इस पर्सन के पास, इस व्यक्ति के पास उस आदमी की सही जानकारी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उससे नहीं पूछेंगे, किसी और पर्सन से पूछेंगे। तो इसके लिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हम और पर्सन से पूछ रहे हैं। थर्ड मेथड क्या है आपका, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस। देखो, प्राइमरी मेथड में क्या है, जब भी हमें डेटा कलेक्ट करना है तो हमें सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करना होता है। तो कई बार जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो विजिट करे एट एवरी सोर्स ऑफ ओरिजिन, हर जगह जाए डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अब डेटा प्राइमरी चाहिए, खुद वो जा नहीं सकता, तो इसके लिए, इस समस्या के समाधान के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, ही विल अपॉइंट सम लोकल सोर्स, और आप उसको कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको, मुझे इस एग्जांपल के लिए, अगर दिल्ली की स्टडी कंडक्ट करनी है, तो दिल्ली में, दिल्ली हर जगह तो विजिट नहीं कर सकता, मुझे चार जगह की स्टडी करनी है, तो मैं उन चार जगहों पे क्या करूँगा, चार पर्सन को अपॉइंट कर सकता हूँ या दो पर्सन को अपॉइंट कर सकता हूँ, उनसे कह सकता हूँ कि आप उस लोकेलिटी में, पर्टिकुलर लोकेलिटी को अलॉट करके वहाँ से डेटा कलेक्ट कीजिए। मैं नहीं गया, मैंने क्या कर दिया, वहाँ पर लोकल सोर्स को अपॉइंट कर लिया अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये भी प्राइमरी डेटा है, क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर खुद विजिट नहीं कर रहा है, लोकल सोर्स को अपॉइंट कर रहा है या कॉरेस्पॉन्डेंस को अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, थ्री मैथड हो गए। फोर्थ, प्राइमरी डेटा का एक और मैथड है जो कि वाइडली यूज किया जाता है, जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज जो बनती हैं वो इसी के थ्रू बनती हैं, क्वेश्चनायर्स या शेड्यूल के थ्रू बनती हैं। क्वेश्चनायर्स में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो स्टडी कंडक्ट कर रहा है, ही विल प्रिपेयर अ डिटेल्ड क्वेश्चनायर, मींस एक प्रश्नावली तैयार करेगा। प्रश्नावली में जो भी स्टडी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन मस्ट बी ईजी, यस और नो में होने चाहिए। ठीक है, या जिसमें सिंपल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम रखेंगे, कोई सॉल्यूशन के लिए रखेंगे, तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन देने वाला जो है वो ना दे, क्योंकि हम फोर्स तो कर नहीं सकते उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो क्वेश्चनायर मींस प्रश्नावली तैयार करनी है डिटेल क्वेश्चंस की। ठीक है, और ज़्यादातर यस और नो या ट्रू फॉल्स इस तरीके के क्वेश्चंस होनी चाहिए, ताकि आसान हो, ज़्यादा परेशानी ना हो आंसर देने में। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं क्वेश्चनायर के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। या तो हम क्या करें, क्वेश्चनायर को मेल कर दें। ठीक है, मेल मींस, आजकल अगर आप इस मेथड को देखें, इस मेथड में सबसे आसान मेथड है आपका गूगल फॉर्म। ठीक है, हमने गूगल फॉर्म अपने क्वेश्चन तैयार किए गूगल फॉर्म में, और आप सब लोग, अगर मुझे आपके बारे में स्टडी करनी है, तो आप सब लोगों के मेल में गूगल फॉर्म भेज दिया, तो आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे हैं आप वो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और मुझे गूगल फॉर्म रिटर्न करेंगे। आजकल गूगल फॉर्म ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाती है। ठीक है, तो गूगल फॉर्म के थ्रू अगर हम नहीं भेज रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे क्वेश्चनायर को, और एक रिटर्न के लिए एक एनवलप भी लगा देंगे, क्योंकि अपना खर्चा करके आपको इन्फॉर्मेशन वापस कोई नहीं देगा। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, एनवलप लगाएगा, उसमें जो भी पोस्टल स्टैम्प है पेस्ट करेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, ताकि जो रेस्पोंडेंट है वो इन्फॉर्मेशन भरे और आपको जस्ट पोस्ट में भेज के, पोस्ट ऑफिस जाके वो आपको वापस कर दे। ठीक है, तो एक मेथड हो सकता है क्वेश्चनायर को मेल कर दें या पोस्ट कर दें। ठीक है, दूसरा मेथड है, जो भी रेस्पोंडेंट है उसके पास इन्यूमिरेटर, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, इन्यूमिरेटर उसको कहते हैं, वो रेस्पोंडेंट के पास जाए, क्वेश्चन पूछे, वो आंसर देगा और उन आंसर्स को वो टिक कर दे। ठीक है, तो दो तरीके हो गए
क्वेश्चनायर को हम गूगल फॉर्म के थ्रू या जो मेलिंग के थ्रू हम भेज सकते हैं, उसको मेलिंग मेथड कहते हैं। और एक है इन्यूमरेटर, जब इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा है जो पर्सन, वो क्वेश्चंस पूछे और खुद जाके उनको आंसर्स को टेक करे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। तो जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर से इन्फॉर्मेशन लेती है। तो इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका यही होता है कि वो उनको क्या करे, क्वेश्चनायर या शेड्यूल उनके पास भेजे, वो उसे फिल करके वापस कर दें। तो आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू हैव गॉट द आइडिया कि प्राइमरी डेटा, सोर्स ऑफ ऑरिजिन से डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंडरी सोर्सेस, जो सेकेंडरी डेटा हैं उन डेटा को कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है, कहाँ से हमें रिलायबल डेटा मिल सकता है अपनी स्टडी के लिए। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेड डेटा हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और पहले से ही कलेक्टेड हैं, बस हम अपनी स्टडी के लिए उनको बोरो करना है उन सोर्सेज से। तो क्या क्या ये हैं, तो इनको हम ब्रॉडली टू पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक हम कैटेगराइज करते हैं पब्लिश्ड, ठीक है, पब्लिश जो कि प्रकाशित हो चुके हैं कहीं ना कहीं, किसी मैगजीन में हो चुके हैं या किसी न्यूज़पेपर में हो चुके हैं या फिर ऑन द वेबसाइट। अब देखेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो इनको हम कहते हैं पब्लिश्ड डेटा, जो प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा अनपब्लिश्ड डेटा, कई बार कुछ स्टडी कंडक्ट की जाती हैं लेकिन उन डेटा को पब्लिश नहीं किया जाता है, वो आपको किसी लाइब्रेरी में मिलेंगे, किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिलेंगी या किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलेंगी, लेकिन वो पब्लिश नहीं रहते हैं। आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ रिक्वेस्ट करनी होती है और जो भी आप पर्पज़ बताएंगे कि मैं इसलिए स्टडी कर रहा हूँ, देन यू कैन कलेक्ट सच डेटा फ्रॉम दीज लाइब्रेरीज या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, लेकिन वो डेटा पब्लिश नहीं रहता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका अनपब्लिश्ड सोर्स। तो जब हम पब्लिश सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, वी आर हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस टू कलेक्ट पब्लिश्ड डेटा। तो ये क्या है आपका, सबसे पहले आप देखेंगे तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस गवर्नमेंट बुकलेट निकालती है, अपने योजना से आप परिचित होंगे, योजना इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की एक बुकलेट आती है, बहुत सस्ती है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स और उनके बारे में रहता है, कुरुक्षेत्र आती है, तो ये क्या है, मैगजीन्स हैं, ठीक है। और ऐसे आपको वेबसाइट्स पर मिलेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पर चले जाए, वहाँ पर आपको मिलेगा, RBI की वेबसाइट पर जाओ या फिर जो MOSPI, बताया था मैंने सेकेंडरी सोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे यहाँ पे MOSPI इंडिया में, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सारे स्टैटिस्टिकल डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, NSSO, CSO जो भी इसके पार्ट हैं, सारे डेटा आपको ऑलमोस्ट सब आपको यहाँ से मिल जाएगा सेकेंडरी सोर्स का, ठीक है। और ये क्या है, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो कि गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करती है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फुली गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है, डिफरेंट कॉरपोरेशंस जो होते हैं उनको हम सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कहते हैं गवर्नमेंट के, तो आपको ये डेटा वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कमेटीज एंड कमीशंस, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डिफरेंट स्टडी के पर्पज से कमेटीज़ को अपॉइंट करती है या कमीशन अपॉइंट करती हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स सबमिट होती हैं, तो वो रिपोर्ट्स भी हमारे लिए क्या हैं, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशन में सबसे जो फेमस है इंडिया में वो है FICCI, फिक्की जिसको बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत बड़ा एसोसिएशन है, सारे ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो भी स्टडी कंडक्ट करते रहते हैं प्राइस से रिलेटेड और अपना ट्रेड ग्रोथ से रिलेटेड क्या क्या हैं, तो वो जो रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है और उन्हें पब्लिश करता है, दीज आर द गुड एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारे देश में कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं और उन्हें पब्लिश करते हैं, तो रिपोर्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो भी हमारे क्या हैं, रिसर्च मीन्स शोध संस्थान जो हैं, जो शोध करते हैं।
ठीक, जर्नल्स टाइम टू टाइम जर्नल जो ऑथेंटिक जर्नल हैं वो भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन आपको पता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जांपल के लिए IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO, तो ये सारे क्या हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी डेटा को डिसेमिनेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, अगर इंफॉर्मेशन ईजीली सबके लिए अवेलेबल रहे स्टडी के लिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन आप IMF की वेबसाइट पर जाइए, आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाइए, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक भी होती है। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, हम जो भी बात कर रहे हैं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन की। अनपब्लिश डेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अनपब्लिश डेटा कौन से होते हैं, जो कि स्टडी कंडक्ट की जा चुकी है बट बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द रीजन डेटा आर नॉट पब्लिश एनीवेयर, वो कहीं पर कलेक्ट करके रखे हुए हो सकता है लाइब्रेरी में रखे हों या किसी इंस्टीट्यूट में रखे हों, तो हम अपने पर्पज़ के लिए उनको वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं।